बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नादरीन? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आपको मैं जो है वज़ाइफ कुरान के ज़रिए इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हर किस्म की बीमारियों का इलाज और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों और उलझनों का हल मेरी वीडियोस के ज़रिए आपको मौसूल होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हर मुसलमान ये वजीफ़ा पढ़ सकता है, इसे पढ़ने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस देखते रहिए, फैज़ हासिल करते रहिए और बस मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर किसी खास मकसद के लिए वजीफ़ा चाहिए तो उसके लिए भी आप लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगी उसके पढ़ने का। तो लोग बहुत थक जाते हैं और फिर होता कुछ नहीं है मेडिसिन से, तो अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर में बरकतें भी नाजिल होंगी और गैब की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। और इसके लिए मैं चंद ज़रूरी बातें बराए कामिल और वज़ाइफ़ के लिए मैं बता दूं कि नमाज पाबंदी से अदा करें, फ़िरकों में ना पढ़ें, तमाम इंसानों और हर कलमा गो से मोहब्बत करें, आपस की नफ़रतों को ख़त्म करें और अच्छे मुसलमान बने, झूठ ना बोलें, किसी भी तरह की चोरी ना करें, सलाम करने में पहल करें चाहे उम्र में आपसे छोटा क्यों ना हो, वालदेन बीवी बच्चों रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसके अलावा गीबत तकबर घमंड ना करें और सदकाए खैरात किया करें। अब मैं अपने टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन फाइनली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? उम्मीद करूंगी कि मेरी हर वीडियो ही अच्छी हो वज़ाइफ़ से रिलेटेड, तो आपको पढ़ना है, बस सच्चे दिल से पढ़ना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आपको स्लाइड में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और उसको आप देखकर इस तरह से वज़ाइफ़ पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं।